आयुष कॉलेजों में खाली पड़े आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी पटना में सोमवार को आयुष स्नातकोत्तर ने जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में आयुष में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली और 3,270 आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की बहाली भी शामिल थी। इस दौरान आयुष स्नातकोत्तरों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने जल्द से जल्द इस नीति को बदलने की मांग की। हम लोग का मेन मांग है कि जो सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है वो व्यवहार न करे। बहाली जो 3,270 लगभग 1.5 सालों से निकला हुआ है, होता क्या है कि जैसे एलोपैथ के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे वो पास आउट करते हैं उनकी बहाली तुरंत कर दी जाती है। हमारे साथ ये व्यवस्था नहीं, ऐसी व्यवस्था की जाए। दूसरी विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली एलोपैथ में होती है, उसी तर्ज पे हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। और जितने भी आयुर्वेदा कॉलेज बंद पड़े हैं, बहुत सारे आयुष के लड़के पीछे करके बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हैं, और कॉलेजों में सीट बहुत खाली पड़ी है, उनकी भी बहाली जितना जल्दी है वो करके सारे कॉलेजों को। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।